क्या हो गया? किस सोच में घूमे? मैं मर जाऊंगी तो तू दूसरी शादी करेगा? क्यों करूंगा मैं दूसरी शादी? तुझसे प्यार करता, तुझसे करता रहूंगा। और मेरा सारा सामान उसको दे देगा? क्यों दूंगा, मैं सारा सामान अपने पास रखूंगा। और मेरी ज्वेलरी? वो मैं तेरी याद में अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। और मेरी साड़ियाँ? वो भी तो अपने पास ही रखूंगा ना। हर चीज उसको नहीं लेके देगा, ज्वेलरी से लेके साड़ी, है ना। मेरे को एक सूट नहीं लेके दिया जाता। सही है भाई, प्लानिंग है सब कुछ नया देने का। इनका दिमाग घुटनों में होता है क्या? तेरे सर में होता है। हेलो हेलो, अरे आप मेरा नंबर लेके मुझे फोन कर दी, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई? मेरा मतलब पढ़ाई में क्या करते हैं? होने में एडमिशन हो भाई, IIT। हेलो, IIT करते हैं? ओ वाह, मुझे लगा ही था कि आप बहुत तेज हैं। बहुत तेज हैं। अरे यार गड़बड़ा गई। हाँ, क्या भाई? IIT ना आई है। हाँ। ITI है। ओ हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे वो गड़बड़ा गया है, एडमिशन हमारा IIT में नहीं, ITI में हुआ है। ITI? ओ शिट। सुनो, आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, वरना पुलिस के पास भेज दूंगी। फोन में काट दिले करे सारे कहो थई ते तो कहतले ITI करे बड़ा स्कोप आ ते ITI नमो सुन तो फोन में काट दिले। ITI से जब छोकरी ना मिल थे तो नौकरी कहां से मिली? ऐसा बात किया ये बतिया बसा रे की बोली नो वाल हो गए। अब छक्का मारी उठाइए। इते भौजी फोन कर दियली, रुक के बताई। हेलो, कहो थई जब जाना था कि IPL चलता एकदम कांटक टक्कर वाला मैच होता तो क्या करे एमपी फिर फोन कैले बाड़ू? हाँ ना बतियेबू। हाँ ठीक बना बतिया रखो ना ना रखो बतियोले करना बे रखो। दिमाग खराब कर दिया ले। ए मर्द तुहार वाली केना रिसिया ले, अब हमार वाली ने हम कुछ बोल दे एक तो शब्द बोल ना सकेली। रुको फोन लगाई थे 12 बजे तक आओ के परेशान करबे झूठे तो का भाई। The person you have called is speaking to someone else. Hello, hello, का हो बोला? अरे जानू कैसे 12 बजे रतिया बतिया होतियाऊ सहेली रहली है। कहा था ये तोके बस चरावतिया पैसा खर्च करावतिया 12 बजे रतिया फोनवा वेटिंग जाता तोके का लगा था सहेली बतिया होतिया ऐसा बतिया ये बतिया बसारे। हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी अपनी आखिरी सांस गिनना है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई ना, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा मतलब है भाभी जी देखिए, आप लल्लन जी का ना लाइफ इंश्योरेंस करा लो, उससे भी नहीं बचेंगे, सारी जांचों में मौत आ गई लिख कर। अरे ये कोई जांच नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अच्छा ये बताइए लल्लन जी कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? अरे तुम तो ऐसी पूछ रहे हो जैसे मैं निकाल लेंगे उसकी जान। भाभी जी समझने की कोशिश करो, अगर लल्लन जी का मरने से पहले इंश्योरेंस हो गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। अजय धीरे बोलो, अगर इसने सुन लिया तो बहुत जिद्दी है, मरेगा ही नहीं। ठीक है तुम सांस रोक कर रखो, मार रहे हो। अजय मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ तुम। अरे नाक मत दबा दियो ना, कहीं और से जान निकल जाएगी उसकी। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन लगी है? हाँ मेरे लगी है। तुम्हारे क्यों लगी है? अजय वो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ी तो मेरी सांस फूट गई। अरे मरीज के लगाओ ऑक्सीजन वरना वो मर जाएगा, उसकी आखिरी सांस चल रही है। आखिरी सांस तो 3 दिन से चल रही, नहीं मर रहा। अगर ऐसी मेरी किस्मत में लिखोगी तो मार दिए मुझे।